नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम की क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं संख्याओं पर लगे बार को किस प्रकार से सॉल्व आपको करना है। मैं दोस्तों चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि SSC के जितने भी एग्जाम अब हो रहे हैं, चाहे CGL हो, MTS हो, CGL हो, उनमें बार का एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चैप्टर नहीं मतलब नंबर सिस्टम का ये पार्ट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे बार का अर्थ, बार का अर्थ क्या है। देखिए पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 0.5 पे बार लगा हुआ है, 0.63 पे बार लगा हुआ है, 0.724 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ, ध्यान से समझिएगा कि मैंने किसी संख्या को इस तरीके से लिखा 3.66666, ठीक है, और ये जो 6 है वो इन्फाइनिट तक है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको स्मॉल तरीके से लिखने के लिए मैं क्या करूँगा 3.66 पे लगा दूंगा बार। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो नंबर है 6 बार बार पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, डेसिमल के बाद। ध्यान से देखिएगा, अब जैसे 0.5 पे लगा हुआ है बार, तो इसका मतलब है 0.5555 ये इन्फाइनिट तक दिया हुआ है, ठीक है। ये बात दोस्तों क्लियर हो जाती है, ये बार का अर्थ है केवल। अभी हम इसकी इक्वेशन समझेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप सब्र रखिए। एक एक करके सभी इसके टाइप्स हम यहाँ पे करने वाले हैं, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। दोस्तों अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए 0.55 हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे देखें तो 0. यहाँ पे दो नंबर पे बार लगा हुआ है 6 और 3 पे, इसका मतलब है 6363 इस तरीके से बार बार पे रिपीट हो रहा है। आप दोस्तों ऐसा मत करना कि केवल आप 3 को ही बार बार पे रिपीट करें, दो नंबर पे बार है तो दो ही नंबर आपको यहाँ पे रिपीट करने हैं, ठीक है। देखिएगा आगे यहाँ पे दिख रहा है कि 0.724 पर बार है, तो इसका मतलब है 0.724 रिपीट होगा बार बार पे, 24 और 24 इस तरीके से 24 बार बार पे दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये तो हो जाता है दोस्तों बार का अर्थ कि भैया बार है क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके रूल्स की तरफ और एक एक करके सभी रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल नंबर 1 कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि बार हटाने के लिए जितने नंबर पे बार लगा होता है नीचे उतने ही 9 लिखे जाते हैं, मतलब जितने नंबर पे बार लगा होगा उतने ही 9 दोस्तों नीचे लिखे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा 4 पे बार है, एक ही नंबर पे बार है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 का 4 लिखेंगे ऊपर, और एक संख्या पे बार है तो 1 9 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने ही 9 आपको नीचे यहाँ पे लेने हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ से बार हट जाएगा, 25 लिखा जाएगा यहाँ पे, और कितने संख्याओं पे बार था दोस्तों 2 पर, 1 2, तो हम 2 9 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसको देखिए तो ये कितना है 3 2 5, तो आपको लिख देना 3 2 5। कितने नंबर्स पे बार है दोस्तों 1 2 3, तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। जितने नंबर्स पे बार होगा उतने ही 9 आपको नीचे यहाँ पे लेने हैं। देखिए बार हटाने के लिए जितने नंबर पे बार लगा होता है नीचे उतने ही 9 लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे बार था तो 1 9 लिखा है, 2 नंबर पे बार था 2 9 लिखा है, नंबर्स को ऐसे ही लिखा जाएगा डेसिमल वगैरह सब कुछ हटा के, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर्स पे बार था तो 3 9 यहाँ पे लिखा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है और रूल नंबर 1 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड रूल की तरफ, सेकंड रूल को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों सेकंड रूल है आपका, रूल नंबर 2, बार से पहले अगर खाली संख्या दी हो, देखिए उनमें क्या था कि इस तरीके से था, ठीक है, जैसे 0.4 था, 0.25 था, ठीक है, तो बार से पहले कोई नंबर खाली नहीं था जिस पे बार ना हो, बार से पहले कोई नंबर खाली नहीं था जिस पे बार ना हो, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे हम देखें तो हमने रूल पढ़ा कि बार से पहले अगर खाली संख्या दी है, तो बार से पहले खाली संख्या यहाँ भी है,
बार से पहले दो खाली संख्या यहाँ भी है और बार से पहले एक खाली संख्या यहाँ भी है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही प्यार से। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि जितने नंबर पे बार होगा उतना तो हम नौ लेते हैं, जितना खाली होता है उतने हम जीरो लेते हैं और उसी जो खाली अंक को वहाँ से ऊपर से माइनस कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेंथी लैंग्वेज होगी, अभी समझ में नहीं, अब देखिएगा ध्यान से किस तरीके से। कितने नंबर पे, पहले आपको यहाँ दिख रहा है 38, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 38 लिख लेना है, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर पे बार है दोस्तों, एक नंबर पे बार है, तो आपको क्या करना है, एक नौ यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और नंबर से पहले कितनी संख्याएं खाली हैं, एक है, एक नंबर पे बार नहीं है, तो आपको एक जीरो यहाँ पे लगा देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो खाली नंबर दिया हुआ है उसी को आपको ऊपर वाले नंबर में से यहाँ माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा दोस्तों 35/90, ठीक है। इसको हम क्रॉस भी कर देंगे 5 से 7 और 5 से 18, 7/18 आपका यहाँ पे आंसर आ जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इसी नंबर को आपको लिख लेना है 2, 3, 6, 5, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब कितने नंबर खाली हैं यहाँ पे, देखिए पहले तो हम ये बनाते नीचे, ठीक है, 9 लिखते हैं, देखिएगा तो दो नंबर पे 12 है, तो 2 9 आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दो नंबर खाली हैं तो 2 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है, और इन्हीं दो नंबर को ऊपर से कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, मैं अब आपको दिखाई देगा 2, 3, 4, 2/9900। अब आपको इसको केवल क्या करना है दोस्तों, क्रॉस करना है। क्या करना है दोस्तों, केवल आपको क्रॉस करना है, क्रॉस आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझते हैं आगे, देखिएगा अब पॉइंट से पहले 0 नहीं, 3 है, तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है पहले तो वो समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप इसको लिख सकते 3+0.24 पे बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 तो आगे जैसे कि तैसे रहेगा, 3+, यहाँ से देखिए 2 4 लिखेंगे, 2 4 हमने लिख दिया, पॉइंट 0 0 पॉइंट के बाद, यही कंडीशन हमने अभी तक सीखी थी। उसके बाद यहाँ से देखिए कितने नंबर पे बार है, एक बार, और यहाँ से कितने नंबर खाली हैं, एक, ठीक है, और जो नंबर खाली उसी को ऊपर से माइनस कर देना, तो इसको करेंगे, ये तो 3 का 3 रहेगा प्लस, ये हो जाएगा 22/ कितना दोस्तों, 90, यहाँ से 2 से 11, 2 से कितना, 45, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3+11/ कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। अब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 45 दिया, 135, 135 और 11, 147 बट्टे कितना आ जाएगा, 45, ये आ जाएगा दोस्तों प्रॉपर तरीके से इसका आंसर, ठीक है। रूल हमारे दो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आगे और देखते हैं रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों ये, इसको बड़े बारीकी से आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। रूल नंबर 3 कहता है, यदि पॉइंट दशमलव से पहले, पॉइंट का मतलब दशमलव होता है, डेसिमल इसको बोल सकते हैं, से पहले किसी संख्या पर बार दिया हो, तो देखिए अब यहाँ पॉइंट से पहले नंबर पे बार दिया है, पॉइंट से पहले बार दिया है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। अगर पॉइंट से पहले बार है तो जिस नंबर पर बार है वो नेगेटिव होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से इसको किस तरीके से करना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 4 को किस में लिख देना है, माइनस में, ठीक है, यहाँ से प्लस, इसका मतलब क्या होता है, 0.48, क्योंकि ऐड होने के बाद वही आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बार है तो यहाँ पे माइनस कर देना है। अब आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 पॉइंट, देखिए माइनस करना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, साइड में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको माइनस करना यहाँ साइड में बता देता हूँ, देखिए 4 में से माइनस होगा 0.48, तो पॉइंट के बाद यहाँ मान लेंगे हमने 0, ठीक है, माइनस भी करके आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ, यहाँ से 2, यहाँ से 9 रह जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 3, तो 3 पॉइंट
फाइव टू, लेकिन माइनस का फोर्थ है इसलिए माइनस का आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। माइनस का फाइव प्लस 0.64, ठीक है, फाइव में से 0.64 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4.36 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीन रूल हमारे यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं रूल, देखिए बहुत ही छोटी क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, फालतू की कोई बकवास मैंने इसमें नहीं की है या फिर इतना वेस्ट टाइम आपका नहीं किया है जितना कि होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था मतलब मेरा थोड़ा सा लूज ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में आपको क्या है बहुत कुछ यहाँ पे करना है। ठीक है, देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर फोर पर। बहुत ही कम समय में इतना सब कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए बार वाली संख्याओं को जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आया है वो यहीं से आया है। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, अभी पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं, बार वाली संख्या को जोड़ना। देखिएगा अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ते तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 32 दो संख्याओं पे 12 है तो 29 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 12 दो संख्याओं पे 12 है तो 29 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस दो संख्याओं पे 12 है तो 29 यहाँ पे आ जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे सभी एलसीएम जो आएगा वो 99 आएगा, कितना आएगा 99 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 32 प्लस का रहेगा सेम 12 प्लस और 30, इस तरीके से ये रहेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे एलसीएम सेम 99 आ गया तो 32 का 32, 12 का 12 और 13 का 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, 1 और 2 1 और 1 2 2 और 3 5, 57 / 32 कितना आ जाएगा 99। या तो आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा तो इसको जोड़ने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर नंबर पर बार सेम है, सेम नंबर पे बार है और सेम ही कंडीशन है यहाँ पे 0.32 0.12 0.13 और बार सेम है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देना है। इनको डायरेक्टली ऐड कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, 0.32 0.12 और 0.13, यहाँ से हो जाएगा ये 7, यहाँ से हो जाएगी ये 5 0. इस तरीके से बार यहाँ पे लग जाएगा लास्ट। ठीक है, तो 0.57 बार, अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन है तो ऐसे सॉल्व कीजिए, इस तरीके से ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि 0.3 एक पर बार है, यहाँ एक पर बार एक खाली है और यहाँ पे क्या है एक पर ही बार है, दो नंबर यहाँ पे खाली है। ध्यान से देखिए, तो इसको तो सिंपल था कि एक पे बार है, 3 यहाँ पे लिखा और 1 9 हमने यहाँ पे लगा दिया, प्लस इसका पैटर्न क्या था कि 24 आपको लिखना है और यही 2 आपको क्या कर देना आगे वाला माइनस, और 1 पे 12 तो 1 और 1 अक्षर खाली तो 1 0। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या था, यहाँ भी वही कंडीशन थी, 2 लिखा माइनस 0 माइनस करेंगे, ठीक है, अपॉन एक संख्या पे 12 तो 1 9 और 2 वैल्यू खाली है, इसका मतलब 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 3/9 प्लस 22/90 प्लस 2/900। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना वो थोड़ा समझ लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है 0.3 0.3 पे बार और यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना दोस्तों, 0.24 पे बार, यहाँ लिखा है 0.002 पे बार। ठीक है, यहाँ से देखिए तो यहाँ आपको क्या करना है, 0. ही लगाना है, 3 को 1 2 3 4 5 बार आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5 नहीं तो 6 बार लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 बार लिख दीजिए, 5-6 बार में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 0.2 बार 4 4 4 4 4,
ठीक है, यहाँ से 0.002 इस तरीके से आपको यहाँ पे जल्दी ऐड करना, नहीं ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई एलसीएम लेके। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 7 और 2 यहाँ भी ये 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, ये भी आपका 9 हो गया, ठीक है, 4 9 आ गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 0 हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.57 9 बार बार पे आ रहा है तो 9 रिपीट हो रहा है तो 9 पे बार यहाँ पे लगा देंगे, ये आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन हो तो आपको इसको सॉल्व करना, आप इसको नहीं, ऐसे तो काफ़ी टाइम लगेगा। फ्रैक्शन में हो तो आप क्या करोगे, 579 माइनस, दो पे बार नहीं है, इनको ही माइनस करते हैं, अपॉन यहाँ पे दो नौ, एक नौ लेंगे, एक पे बार है, दो खाली हैं तो 2 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये टू ये 5, 522/900 हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस कर लीजिए, 2 से आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से आप इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते। तो बार के यहाँ पे 4 रूल मैंने दोस्तों आपको बता दिए। देखिए, रूल नंबर बार वाली संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, इससे पहले वाला रूल मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, बार का अर्थ मैंने आपको बता दिया, रूल 1 बता दिया कि बार हटाने के लिए जितने नंबर से बार लगा होता है नीचे उतने ही 9 लिखे जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि बार से पहले अगर खाली संख्या हो तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 3 में मैंने बताया, यदि पॉइंट दशमलव मतलब पॉइंट से पहले अगर किसी संख्या पे बार लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने दोस्तों आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट में जो रूल था, रूल नंबर 4, उसमें मैंने आपको भी बताया कि बार वाली संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है। अब करते हैं 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, इनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक, जो कि एग्जाम के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहला है कि 1.2 पे बार इंटू 0.03 पे बार और SSC 10+2 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए और इसके इस तरीके से आंसर आपको दे रखे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि वो डायरेक्ट 12 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और पॉइंट गिन के यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका होता है। लेकिन आपको बार को बार की तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ध्यान से देखिएगा, बार को बार के तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ से 1, ठीक है, इसका मतलब आपको पता था, प्लस 0.2 बार आप इसको लिख सकते थे इंटू, ध्यान से देखना, यहाँ से 3 और कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे 2 9 आप यहाँ पे लिख सकते थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, अब इसको हम आगे करेंगे, ध्यान से देखना आगे इस तरीके से मैं करूँ। देखिए, 1 प्लस इसको ओपन करेंगे, अब इसको ओपन करें तो ये होगा 2 अपॉन कितना 9 इंटू 3 अपॉन कितना 19। अब ऐसा मत करना कि आप इसका मल्टीप्लाई अभी करने लग जाओ, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको यहाँ पे पड़ेगा। देखिए, 9 * 9 = 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 / 9 * 3 = 99। ठीक है, तो 11 * 99 = 3 * 9, 3 9 हो जाएगा 27, ऊपर बचा 1 और 9 3 हो गया ये दोस्तों आपका 27, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर हम CGL में 2018 की बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड हो जाता है, इसको बड़े बारीकी से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो कंडीशन ये है कि भैया ये प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दे दिया, दो दो काम एक साथ दे दिए। देखिएगा, पहले तो मैंने बताया था इनको ऐड करने का तरीका आपको बता दिया, इनको हम ऐड कर लेंगे, फिर इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इनको तो हम इस तरीके से ऐड कर रहे थे, 4 7 7 पे बार है तो 7 को बार बार पे यहाँ पे हमने रिपीट किया, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, यहाँ से हमको पता था कि 0.503 पे बार है तो 0.3 0.3 और 0.3, एक और 7 आप बढ़ा लीजिए, इससे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इनको करना था आपको ऐड। ठीक है, यहाँ से 10 * 0 = 1 8, यहाँ से 10 * 0 = 1 8, यहाँ से 10 * 0 =
कैरी वन एट और ये हो जाएगा 4 और 5 9 0.8 इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात आती कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे बड़ी बात तो यही है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व आपको करना। देखिए इक्वेशन है आपकी 0.39 पे बार इंटू 0.8 पे बार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़े बारीकी से आपको दोस्तों इसको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके। देखिए 39 अपॉन कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 1 पे बार है और 1 खाली तो 0 आ जाएगा, और इसी वाले नंबर को यहाँ से घटा लेते हैं, मैंने आपको बार बार पे बता दिया। इसको कैसे करेंगे, 8/9 हो जाएगा केवल, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये हो जाएगा 36/90, ये हो जाएगा 8/9, 9 से ये कट जाएगा 4, ठीक है। 9 से 4, 9 चक्का 36 हो गया, 4 अट्टे हो जाएगा ये 32, 32/90 हो जाएगा 90। लेकिन दोस्तों हमारे ऑप्शन जो हैं बड़े अलग तरीके से हैं, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको अब आंसर यहाँ पे बताना है। अब ऐसा नहीं करना कि भैया हम आंसर बताने लग जाएं और आंसर बताने के लिए हम अपॉन में इस तरीके से फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर निकालें, तो इससे तो काम बनने वाला है नहीं भाई, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास ये होता 0.35 पे बार, सॉरी ये नहीं 0.35 पे बार होता, ठीक है, तो मैं इसको कैसे करता कि 35 में 3 माइनस करता और 90 यहाँ पे लिखता, तो ये आ जाता 32 अपॉन कितना आ जाता 90। यही कंडीशन आ रही कि नहीं दोस्तों, इस वजह से ध्यान से रखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस वाले नंबर को इसमें जोड़ेंगे 32 प्लस का कितना, देखिए क्यों जोड़ रहे हैं, एक जीरो है तो पहले वाले नंबर को इसमें जोड़ा जाएगा, उल्टा कर रहे हैं अब हम इसको, ठीक है, और एक नौ है तो एक संख्या पे बाहर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे कितना 3, और इस पर लगा देंगे बाहर, अब इसको ऐड कर लेंगे तो 3 ये हो जाएगा 5 पे बाहर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.35 पे बाहर। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा हमको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में से इसको करना है माइनस, तो इसका देखिए हमारी ये वाली इक्वेशन ये थी, अब हमारा कितना आया, वो आया 0.35 पे बार, ठीक है। इसका मतलब 5 बार बार पे लिखा जाएगा, तो यहाँ से लिखिए ये माइनस करना, अब 0.35 पे बार है तो 5 5 5 5 5 यहाँ पे रिपीट होगा, अब माइनस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और माइनस करना कितना आसान होता है, देखिए 10 में से 5 5, यहाँ से 7 बचा 2, ये 5 फिर 2 फिर 5 फिर 2 फिर यहाँ पे 6 जीरो पॉइंट, यहाँ से देखिएगा 2 5 2 5 2 5 रिपीट हो रहा है, 6 2 5 नहीं 2 5 रिपीट हो रहा है, तो हो जाए 0.6, 2 5 रिपीट हो रहा है 2 5, तो 2 5 पे बाहर लग जाए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, और मेंस 2018 का है जो कि 2019 में पेपर हुआ था मेंस का। देखिए दोस्तों 25 मिनट के अंदर मैंने 20 से लेकर 25 मिनट के अंदर दोस्तों आपका पूरा बार आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, प्लस एग्जाम के क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते फिर कहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।